तो उसे ये फील होता है इंसल्टिंग, दैट इज क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म के बाद सामने वाले की क्या रिएक्शन है, उसे इंसल्टिंग लग रहा है, एंगर आ रहा है, फियर हो रहा है, लाइक दिस। तो ये हुआ क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। अगर कोई पर्सन इस चीज के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिव है, कल हस्बैंड वाइफ के लिए किसी ने बोला था कि हस्बैंड अगर वाइफ को बार बार क्रिटिसाइज करता है हर चीज में, कुछ ना कुछ कमियां ढूंढता है, कमियां निकालता है, लेकिन ये कमियां निकलने के बाद जब वो इस तरह से बात करता है कि तुझे ऐसा ही सिखाया क्या, मायके से ऐसा ही सीख क्या ही क्या, तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तुझे तो कुछ जमता ही नहीं, तो ये क्रिटिसिज्म हुआ है ना, ये चीज ऐसी करते क्या, ये चीज ऐसी रहती क्या, ये चीज ऐसे बनाती, ये क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन उस क्रिटिसिज्म में सामने वाले को इंसल्टिंग लगना चाहिए, दैट इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। लेकिन रूडनेस, रूडनेस में क्या होता है कि ऊंचे आवाज में बात करना, बहुत जोर से बात करना, किसी के सामने बात करना, दैट इज रूडनेस, सेंसिटिव टू रूडनेस। और वो ये सामने वाले पर्सन को पसंद नहीं होता है, उसे ये बिल्कुल लाइक नहीं होता है कि इस तरह से बात करना, है ना। अगर ये हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है तो वाइफ ऑलवेज इसके प्रति ये कहेंगे कि भाई आप किसी के सामने मत बोला करो, ऊंचे आवाज में मत बोला करो, आपको जो भी बोलना है जो भी है वो समझाया करो, बेडरूम में जाके समझाया करो, अकेले में जाके समझाया करो। दिस इज सेंसिटिव टू रूडनेस। तो ये डिफरेंस होता है क्योंकि दोनों का जो बेस है, जो नीड है, जैसे कि क्रिटिसिज्म में नीड क्या होती है, दैट इज नीड ऑफ इस्टीम, एंड रूडनेस में नीड होती है लव। जो भी है वो प्यार से समझाओ, चिल्ला के जोर से ऐसा मत बोलो, दिस इज नीड। ओके, सो ये हुआ सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव टू रूडनेस। हर चीज के लिए इंपॉर्टेंस है होम्योपैथी में, हर बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की हर माइंड की हर बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल की हर बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल्स जनरल्स में हम हर चीजें पूछते रहते हैं, क्योंकि हर वो बात को इंपॉर्टेंस दिया है, वो स्टूल, पर्सपिरेशन, सलाइवेशन, हर चीज, क्योंकि होम्योपैथी इतनी डीप है, वास्ट है। रेपर्टरी में, मैटरा मेडिका में कितने सारे सिम्टम्स है, रेपर्टरी में कितने रूब्रिक्स है, हर रूब्रिक्स, हर सिम्टम, हर बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड, जितने भी कंप्लेंट्स है, जितने भी सिम्टम्स है, हर सिम्टम के लिए मेडिसिन दी है, मतलब जो प्रूविंग है होम्योपैथिक मेडिसिन का, कितना डीप और कितनी अंडरस्टैंडिंग उस उन ऑथर्स की रही होंगी जब प्रूविंग किया होगा, कितना उन्होंने कंसंट्रेशन रखा होगा, जब पेशेंट हमारे सामने होता है तो उसकी हर बात, हर मोमेंट, हर एक्शन, हर एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब ऑब्जर्व करके उन ऑथर्स ने, उन जो ब्रूवर्स थे, उन्होंने लिखा। कुछ मेडिसिन्स के ऐसे कितने सारे सिम्टम्स हैं जो हमें पता भी नहीं होते, हमने कभी देखे भी नहीं, कभी सुने भी नहीं, किसी बुक में पढ़ने को मिलते हैं तो किसी बुक में ओनली सुपरफिशियल सिम्टम्स दिए होते हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि होम्योपैथी एक वास्ट साइंस, डीप साइंस, लाइक अ ओशन। और जितना हम डीप जाएंगे उतना हमें मिलते जाएगा, जितना डीप जाएंगे उतना हम नया नया देखते जाएंगे, मिलते जाएगा। तो इसीलिए विजय कर सर ऑलवेज से दैट गो टू डीपर एंड डीपर। हिस्ट्री लेते वक्त
सर ऑलवेज से उसे डिक करते रहो जब तक वो आंसर लेस नहीं होता था, तब तक आपको उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स मिलते ही रहेंगे। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है कुछ मेडिसिन्स के, जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर के लिए मटेरिया मेडिका में 17,000 सिम्टम्स दिए है। हनीमन मटेरिया मेडिका अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सर ने लाइक थ्योरी टाइप्स ऑफ सिम्टम्स लिखे हैं, उसमें आप पहचान नहीं सकेंगे कि सॉरी कौन से साइकोटिक, सब मिक्स है, लेकिन इतने सारे सिम्टम्स हनीमन ने दिए। अगर हम एक सल्फर ड्रग भी पढ़ने को लेते हैं तो इतना टाइम लग सकता है अगर पूरे अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं। और जब वो ड्रग पढ़ेंगे तो हर पेशेंट में हमें सल्फर दिखेगा, लेकिन उसमें भी कुछ पिक्युलैरिटी होती है जो उस पर्सन को उस मेडिसिन से अलग करती है, और वो पिक्युलैरिटी इंपॉर्टेंट होती है। और ये पिक्युलैरिटी कौन सी किस पेशेंट में मिलेगी, किस पेशेंट में कौन सी होगी, ये हमें ढूंढना होता है। तो सल्फर अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम, तो एक बेसिक जो हमने कॉलेज में पढ़ा वो पिक्चर हमारे सामने आ जाता है, लेकिन सल्फर बहुत ही अच्छी रेमेडी है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम हैनेमन मैथमेटिका से पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें हमें पता चलेगी। तो सल्फर के लिए विजयकर सर ने कुछ पॉइंट्स दिए, और सल्फर के साथ अगर आयोडम हम मिला देते तो एक अलग सा पिक्चर बन जाता है। सल्फरिक आयोड, सल्फ आयोड, इन स्पार्कलिंग शार्प आईज, इन स्पार्कलिंग शार्प आईज, ये सल्फ्यूरिक और सल्फ आयोड के लिए विजय कर सर ने बताया है। तो ये आपने डॉल देखे होंगे, डॉल डॉल के आईज इतने शार्प होते हैं क्योंकि उसका पूरा उस डॉल का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस आईज पे होता है, उस आईज की वजह से उसका फेस अट्रैक्टिव दिखता है, शार्पनेस आता है, उस टाइप का सल्फ आयोड का पिक्चर होता है। सल्फ आईज आयोड के आईज होते हैं वेरी कीन स्पार्कल्स, आप अगर चेहरे पे देखेंगे तो पट से उसके आंखों की तरफ ध्यान जाएगा, इतने शार्प आईज होती है। मराठी में हम बोलते हैं बोल का बोल के डोड़े, और ये बोल के डोड़े का मतलब होता है कि कोई भी चीज पट से ढूंढ लेना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनक्विजिटिवनेस। कहीं कुछ पट से एकदम आंख में आ जाना, नजर में आ जाना, और उनकी आंखें ऐसी बिकॉज ऑफ आयोडम, आयोडम इज वेरी रेस्टलेस एंजियस है ना, और बहुत ही शार्प हाई स्पीड वाला मेडिसिन है, इसीलिए आंखें भी वैसी रहेंगी, पट से इधर उधर घूमती रहती, और शार्पनेस आता है सल्फर के वजह से। सो दैट्स वाई द सल्फ आयोड इज हैविंग आईज ऑफ इंक्विजिटिवनेस एंड वॉचफुलनेस, वेरी शार्प ब्राइट आईज, वेरी डार्क ब्लैकिश कलर आईज इज सल्फ आयोड। ये कॉम्बिनेशन है सल्फर का और आयोड का।
सर ने कैंसर के ऊपर, कैंसर केसेस के ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत केसेस देखे, लेकिन कहीं सेटिस्फेक्शन मिला तो कहीं नहीं मिला। मैंने कितने सारे केसेस सर के पास कैंसर के भेजा, कोई पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट आए तो कहीं में नहीं आए। तो ये बिकॉज ऑफ ये जो ड्रॉबैक है, क्यों ऐसा क्यों, तो उसके कुछ रीजंस, शायद सर अगर होते थे तो शायद कैंसर के ऊपर और भी रिसर्च चलता था, कुछ नए बुक्स भी सर के आते थे। लेकिन बहुत से अभी भी डॉक्टर्स है जो डायरेक्ट डिजीज रूब्रिक लेते हैं, जैसे कि कैंसर। कैंसर के लिए अगर हम कैंसर के बजाय ये रूब्रिक लेंगे, जिस जिस ऑर्गन का कैंसर है, जो ऑर्गन कंप्लेंट ऑफ दैट ऑर्गन, जैसे लीवर है तो लीवर्स कंप्लेंट ऑफ, या फिर मेटास्टेसिस, या फिर पैथोलॉजिकल कोई रूब्रिक। बट सर ने कहा है कि डायरेक्ट कैंसर रूब्रिक क्यों नहीं लेना चाहिए। सो इन द रूब्रिक ऑफ कैंसर वी विल फाइंड ऑल द रेमेडीज लाइक आर्सेनिक, कोनाइन एटसेट्रा, बट विथ ही दिस रूब्रिक दिस रूब्रिक सर सेज आई नेवर क्योर्ड कैंसर। क्योंकि ये डिजीज सिम्टम हुआ, डिजीज रूब्रिक हुआ, इससे आप थोड़ा सा पैलेशन दे सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं। इससे टेम्पररी पेशेंट को रिलीफ होगा, जो भी मेडिसिन आप इस रूब्रिक से सिलेक्ट करेंगे उससे टेम्पररी पैलेशन होगा, बट क्योर नेवर क्योर। रिमार्केबल रिकवरी बट नॉट क्योर, दे कैन प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ कैंसर बट दे कैन नॉट चेंज जेनेटिक म्यूटेशन। और जेनेटिक म्यूटेशन के लिए आपको स्पेशली कैंसर केसेस में आपको फिनोटाइपिक सिम्टम्स, फिनोटाइपिक कंप्लेंट्स, फिनोटाइपिक नेचर चेंज, विल चेंज, मेंटल्स आपको लेने पड़ेंगे। उसमें आप पैथोलॉजिकल जब रूब्रिक्स डालेंगे तो मोस्टली पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स में हम डायरेक्ट डिजीज रूब्रिक पे चले जाते हैं, लाइक कैंसर, बट ऐसा नहीं करना। उसी तरह से ये तो फिजिकल डिजीज हुआ, अगर हम मेंटल में बात करते हैं, लाइक इंसैनिटी, हिस्टेरिया, डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, सो इन मेंटल डिजीज में इसी तरह से सर ने कहा है कि कैन कंट्रोल एक्यूट अटैक ऑफ इंसैनिटी विथ दोज रेमेडीज। लाइक अगर आप इंसैनिटी रूब्रिक्स लेते हैं, सिजोफ्रेनिया रूब्रिक्स लेते हैं, डिप्रेशन रूब्रिक लेते हैं, तो इससे वो टेम्पररी रिलीफ देगा। जैसे कि सर ने इन केसेस में कहा है कि फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन आप दीजिए, स्टेट सिमिलिमम दीजिए। अगर पेशेंट वायलेंट होता है तो सर ने एक सेमिनार में ये भी कहा कि जस्ट आप पेशेंट के फेस पे स्प्रे कर दो मेडिसिन, विद इन अ 2 मिनट पेशेंट बिकम काम। बट सर ने उसके आगे कहा कि तुरंत आपको उसकी एंटीसोरिक रेमेडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और ये प्योर लैंग्वेज है डॉक्टर हैनिमन, एंटीसोरिक। अब एंटीसोरिक का मतलब क्या है यहाँ, दैट इज आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी
सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी के लिए आपको इस तरह का रूब्रिक लेके रेमिडी नहीं आएगी, इंसैनिटी, डिप्रेशन और हिस्टीरिया लाइक दिस। आपको उसका इनेक्ट इंटेलेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। फिर उसका इंटेलेक्ट क्या है, उसके रूब्रिक लेके आपको मेडिसिन निकालनी पड़ेगी। और वो रूब्रिक की जो मेडिसिन आएंगी, जो मेडिसिन रेपर्टाइजेशन के बाद आएंगी, वो रेमेडी एंटीसोरिक होनी चाहिए। आप हैनेमन का क्रॉनिक डिजीज बुक पढ़ेंगे तो उसमें हैनेमन ने एंटीसोरिक नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज की लिस्ट दी है। वो अगर लिस्ट की जेरोक्स निकाल के आप टेबल पे रखेंगे, 5-6 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरे एंटीसोरिक रेमेडीज, नॉन एंटीसोरिक एंटीसोरिक रेमेडीज आपको लर्न हो जाएंगे, पता हो जाएंगे। तो हर केस में, जैसे कि अगर हैनेमन का क्रॉनिक डिजीज पढ़ते हैं तो उसमें बताया कि कौन से केसेस में आपको एंटीसोरिक देना है, और जब तक आप एंटीसोरिक नहीं देंगे तब तक वो क्योर नहीं होगा। आप उसे परमानेंट क्योर देना चाहते हैं, मतलब परमानेंट क्योर का हैनेमन ने कहा है कि फ्री ऑफ सोरा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एंटीसोरिक रेमेडी देंगे, और फ्री ऑफ सोरा पेशेंट तभी होगा जब आप उसे एंटीसोरिक रेमेडी देंगे। तो ऐसे पैलिएशन आप टेम्पररी पेशेंट को दे सकते हैं थ्रू दिस रूब्रिक, बट नेवर क्योर। और अगर आपको, जैसे कि अस्थमा के केसेस में सर ने बहुत बार कहा है कि स्टेट सिमिलिमाम आप उसके कान में बोल दो, पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा, तुरंत रिलीफ हो जाएगा, लेकिन आपको इमिडिएटली उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से जो मेंटल डिजीजेस होते हैं, और वो रेमेडी है एंटीसोरिक। तो इस पे किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। यस मनीषा काटे, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मनीषा काटे। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। सर डॉक्टर, अभी आप आवाज आ रही है मेरी सर? यस यस यस, क्लियर। अभी सर आप बोल रहे थे क्रॉनिक केसेस में एंटीसोरिक रेमेडी देनी चाहिए पेशेंट को क्योर करने के लिए, लेकिन अगर केस समझो साइकोटिक केस है, सिफिलिटिक केस है, तो उस केस में फिर एंटी साइकोटिक या एंटी सिफिलिटिक रेमेडी देनी पड़ेगी ना क्योर करने के लिए। सिपिलेटिक का मैं आगे बताऊंगा आपको, आने वाला है अपने इसमें। ओके सिपिलेटिक में क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। अभी जो अपना अभी जो चालू है इस पे कुछ पूछना है क्या? बोलो। नहीं तो ये आप जो बोल रहे थे ये सिर्फ सोरिक केसेस के लिए बात कर रहे थे क्या, नहीं 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 एंटीसोरिक नहीं से बिल्कुल नहीं, सोरिक? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी है, वो पेशेंट बहुत, मतलब जैसे कि 6 लेयर का डिजीज लेके आपके पास आया और आपने उसे जीसीएस देने के बाद 6 लेयर से वो सेकंड लेयर तक आ गया, पूरा लेयर वाइज नीचे आया, अब वो डाउनवर्ड हुआ, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट हुआ, और सेकंड से उसके सिम्टम ही नहीं जा रहे, सेकंड लेवल के बाद वो फर्स्ट लेवल पे आ ही नहीं रहा है, वो वहां पर स्टैंड स्टिल हो गया। तो ऐसे केसेस में आपको एंटीसोरिक रेमेडी ढूंढना है, उसके एंटीसोरिक देना है। यस, और वो तब तक, जब तक उसको एंटीसोरिक मिलेंगे नहीं तब तक वहां कंप्लीट क्योर नहीं होगा। और जो यहाँ पे सर ने कहा है वो ये कहा है कि जो हम स्टेट सिमिलिमम देते हैं इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, जैसे कि पेशेंट वायलेंट हुआ, पेशेंट अस्थमेटिक अटैक में है, पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सीवियर पेन लेके आया है,
ऐसे केसेस में आप उसे स्टेट सिमिलियम दीजिए, लेकिन तुरंत उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ढूंढ के उसे देना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा पैलिएशन देगा, लेकिन अगर आपने उसे जीसीएस नहीं दिया तो वो एंटीसोरिक नहीं दिया तो वो वापस बहुत वायलेंटली एग्रेवेट हो सकता हेलो है। यस यस डॉक्टर नितिन सोनी। सर। यस सर एक्चुअली ये जो एंटीसोरिक देने का टाइमिंग होता है ना सर, ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे सर? मतलब इन केस एक सिजोफ्रेनिक या इंसैनिटी का केस है अपने पास पेशेंट सिपिलिटिक जिसको हमें। कंप्लेंट से साइकोटिक में आया, साइकोटिक से सोरा में आया, जैसे कि मैंने बताया 6 लेयर से पेशेंट सेकंड लेयर पे आया, सेकंड लेयर पे आया मतलब उसे एसिडिटी या फिर कुछ ऐसे सोरिक कंप्लेंट आए, लेकिन वो सोरिक कंप्लेंट जाते हमने अब सिंपल एग्जांपल बताता आपको कि हमने बहुत से केसेस ट्रीट किए, लेकिन पेशेंट जब स्किन पे आता है तो उसका एक्जिमा जाता ही नहीं, पेशेंट परेशान हो जाता, हम भी परेशान हो जाते हैं कि भाई इसको इसके लिए रिलीफ क्यों नहीं हो रहा है ना, वो लॉन्ग पीरियड तक चलते रहता, बहुत से मेडिसिन हम चेंज करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जीसस उसे दिया था उसने वहां तक लाके रख दिया, लेकिन आगे उसे क्योर नहीं हो रहा है, तो ऐसे इसमें हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो जो परेशानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वही ये पॉइंट है जहां हमें एंटीसोरिक प्रिस्क्राइब करना है। सर सपोज एक शिजोफ्रेनिक को एक्यूट अटैक्स में अपन ने एक स्टेट सिमिलियम दिया दिया और उसके बाद अपन उसका टाइमिंग कब डिसाइड करेंगे सर कि ही नीड्स एंटीसोरिक नाउ? वो जैसे अटैक देखो सबसाइड होता है उसी टाइम पे देना है अपने को या फिर कैसे सर? उसे उसे जब हमने कुछ स्टेट से मिनिमम मेडिसिन दे दिया तुरंत और पेशेंट को बेटर फील हुआ, बेटर फील होने के बाद 2-3 घंटे निकल गए, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट वापस उसी कंडीशन में हाँ आना शुरू हो गया, मतलब समझ लेना आपने कि आपके मेडिसिन ने काम किया था लेकिन टेम्पररी पैलिएशन उसे दिया, अब उसे जरूरत है क्योंकि अभी वो कंडीशन नहीं जो पहले थी वायलेंटनेस की, तो तुरंत उसे जीसीएस दे दीजिए। ये पीरियड थैंक्स ऐसा लॉट नहीं सर। है ये पीरियड कि भाई 1 घंटे का 2 घंटे का 4 घंटे का 2 दिन का 3 दिन का रहेगा करके, ये पेशेंट ऑब्जर्वेशन में रख के ही आपको करना। ओके सर, यस मतलब पूरे सिम्टम्स सबसाइड नहीं हुए, थोड़े से सिम्टम्स हैं तब भी अपन प्रिस्क्राइब कर yes. सकते हैं। दे सकते हैं। और आपको बेटर वे ये है कि पेशेंट के साथ मेडिसिन दे दो और बोलो कि अगर पेशेंट को कुछ और वापस लगने लग गया कि आपने ये डोज दे देना। यस सर, यस थैंक यू सर। ओके तो जो सेंसिटिव पीपल्स होते हैं, सेंसिटिव पीपल्स मोर विच ब्रेन डोमिनेंट, मोस्टली विच ब्रेन लेफ्ट, डोमिनेंट आर द राइट ब्रेन, सेंसिटिव, व्हाइट ब्रेन, सॉरी, राइट, राइट ब्रेन डोमिनेंट एंड लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट, प्रैक्टिकल, बिजनेस प्रैक्टिकल माइंडेड। राइट, दीज प्रैक्टिकल पर्सन्स आर मोर अचीवर्स, जैसा कल लेफ्ट बताया था ना अचीवर्स पीपल्स कौन होते हैं, तो राइट ब्रेन पीपल, राइट ब्रेन डोमिनेंट पीपल्स आर मोर अचीवर, एम्बिशियस, इंडस्ट्रियस, मनी माइंडेड राइट, यस। अभी जो काटे मैडम ने पूछा था ना कि सिपिलिटिक केसेस में क्या करना है कैसे करना है, तो जो एक्यूट सिपिलिटिक डिजीजेस होते हैं, एक्यूट सिपिलिटिक डिजीजेस, सर विथ एग्जाम्पल बता दो ना। एक्यूट सिपिलिटिक डिजीजेस जैसे कि मोस्टली ब्रेन ब्रेन हिमोरेज, कोमा, एक्यूट रिनल फेलियर राइट, जैसे उस दिन मैंने बताया टेस्टिकुलर टॉर्शन, एक्यूट सिपिलेटिक केसेस, तो ऐसे ही इसमें जो हम एक्यूट रेमेडी देंगे वो मोस्टली कैसी होनी चाहिए,
स्ट्रेट्स कवर कर लीजिए। स्टेट सिमिलिमम बोलने के बजाय यहाँ पे वो प्योर सिफिलिस सिंपलेटिक रेमेडी होनी चाहिए, राइट? और पैथोलॉजी भी कवर करनी चाहिए। तो ही वो उस कंडीशन को कवर करेगी, राइट? तो वो एक्यूट सिंपलेटिक रेमेडी होनी चाहिए। लेकिन देखो, एक्यूट रेमेडी हैज अ कनेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, बट ये कौन से डिजीज में? एक्सेप्ट सिफिलिटिक, जो सिफिलिटिक में हम रेमेडी देंगे उसका कनेक्शन उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से नहीं होगा। जो सिफिलिटिक डिजीज में हम रेमेडी दे रहे हैं, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि इसके ही रिलेशनशिप में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होगी, लेकिन वो अलग भी हो सकती है। इसीलिए एक्यूट कंडीशन से जब पेशेंट बाहर आता है, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है, रिमेनिंग है कुछ, या फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हमें उसे जीसीएस देना पड़ेगा। अगर वो सोरा पे आता है तो हमें एंटीसोरिक देनी पड़ेगी। यस, सो द एक्यूट रेमेडी हैज अ कनेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बट नॉट इन सिफिलिटिक केसेस, देयर इट कैन गो एनीवेयर। व्हाई? बिकॉज ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि सिफिलिटिक केसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल। सर यस, जैसे एक पेशेंट जैसे अभी आया, तो जैसे मधुमक्खियों ने काफी डंग कर दिए थे नेक पे, यहाँ पे, उसके वजह से वो कोमा में चला गया। फिर ये एक्यूट सिफिलिटिक है क्या? यस। अब वो कोमा अच्छा, में क्यों गया? नेक पे पूरा मधुमक्खियों ने जो डंग किया है पूरा नेक पे और फेस पे किया है, जो जो फेशियल नर्व्स है वहां यस पे, उनको इन्फ्लामेशन की वजह से सफोकेशन और वो सब हुआ समझो, यस यस, लैरिंजियल फेरिंजियल इडिमा उसे हुआ। हुआ यस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ और ऑक्सीजन, एस्पेक्जिया हाँ एंड इन्फ्लामेशन। पॉइजन इतना बढ़ गया है उसकी वजह से पेशेंट ये अनकॉन्शियस हुआ होगा, सिफिलिस राइट? दिस इज कितना आएगा? प्योर सिफिलिटिक कंडीशन। अच्छा तो ऐसे कंडीशन में आपको सिफिलिटिक रेमेडी फाइंड आउट करना है। बट पेशेंट कोमा के बाहर आने के बाद अगर उसे कुछ सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं, मतलब कुछ सिम्टम वैसे है जो जा ही नहीं रहे, रिमूव ही नहीं हो रहे, क्योर नहीं हो रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपको एंटीसोरिक रेमेडी देना है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो रेमेडी आपने एक्यूट दी थी तो उसके जीसीएस, मतलब जीसीएस रेमेडी जो होगी वो उसके रिलेशनशिप में होगी, ऐसा नहीं है। और अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पे है, और जैसे कि अभी आपने बताया मैडम, हनी बी बाइट का पेशेंट बताया, तो ये पेशेंट को सपोज आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चालू थी और पेशेंट पे सडन ये अटैक हुआ और पेशेंट कोमा में गया, ऐसे केसेस में क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन होने के बाद ऐसा होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट बात यानी मेडिसिन का इफेक्ट तो रहेगा ना इसके वजह से, और सेकंड अगर अटैक आता है तो फिर स्टेट सिमिलिमम ही देना पड़ेगा। देखो, जो सिंपल सोरिक डिजीजेस होते हैं ना, एक्यूट डिजीजेस, सिंपल सोरिक डिजीजेस, उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने दिया है वो आप वहां पे रिपीट भी कर सकते हैं, या फिर उसकी पोटेंसी बढ़ा के दे सकते हैं, या फिर उसकी रिलेशनशिप में जाके दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे इस टाइप का डिजीज लेके आता है, सडन कोमा बिकॉज ऑफ बाइट्स, हनी बी बाइट्स,
दिस इज सिपिलेटिक कंडीशन, बट ऐसे कंडीशन में आपको उसको उस कंडीशन से नहीं, क्योंकि आपके मेडिसिन की तो एक्शन वहां शुरू ही है ऑलरेडी, राइट, लेकिन वो जो अभी की कंडीशन है वो कवर नहीं कर रही वो रेमेडी, दैट्स व्हाई ही गोज इनटू कोमा। अगर वो रेमेडी वहां पे कवर करती थी तो वो कोमा में जाता ही नहीं था। तो डायरेक्ट मीनिंग उसका ये है कि वो रेमेडी वहां पे नहीं चलेगी या फिर उसके रिलेशनशिप में से नहीं चलेगी, आपको वहां पे प्योर सिपिलिटिक रेमेडी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो डिफरेंट भी हो सकती है। सर मेरे को पहले सिपिलिटिक लगा ही नहीं, क्योंकि इडिमा होना इंसेक्ट बाइट का ये तो प्राइमरी रिएक्शन है, ये तो सोरिक रिएक्शन होगा ना बॉडी का। लेकिन उस रिएक्शन को पेशेंट ने उस एक्शन को पेशेंट ने किस तरह से रिएक्ट किया, आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन जैसे क्रैनियल नर्व्स इन्वॉल्व हुए, जैसे ब्रेन से रिलेटेड नर्व्स इन्वॉल्व हुए, इसके वजह से कोमा में गया, इन्फ्लेमेशन। yes. तो जो जो रिएक्शन थी पेशेंट के बॉडी की, जो रिएक्शन थी दैट वाज आउट ऑफ कंट्रोल, एंड आउट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल थिंग्स आर सिपिलिटिक। पेशेंट को सिंपल, पेशेंट को अगर सिंपल एडिमा आता था, पेन होता था, वहां पे इन्फ्लामेशन होता था, तो ये अलग बात है। लेकिन पेशेंट ने क्या रिएक्ट किया, कोमा। सर हनी बीज का प्रमाण बहुत ज्यादा था, बहुत सारे डंक थे, तो इन्फ्लामेशन तो ज्यादा ही रहेगा। यस, पॉइजन वहां पे, पॉइजन भी जो गया वो कंट्रोल के बाहर गया ना, तो ऑल थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। और पेशेंट में वो सिपिलिटिक टेंट अभी भी है, सिपिलिटिक पोल्यूशन अभी भी है पेशेंट के अंदर, दैट्स व्हाई ही रिएक्ट लाइक दिस। वैसे तो रेफर कर दिया सर। ओके, यस डॉक्टर, अभी किसी ने हैंड राइज किया था। जी सर, मैंने किया था। हेलो, एम आई, आप फिर से हैंड राइज कीजिए। ओके, यस डॉक्टर हाजिरा जी बोलिए। सर जैसे कि ना एक ओसीडी का पेशेंट है सर जी, तो सर उसको आर्सेनिक दिया है, तो उसको बहुत रिलीफ हुआ था सर, और उसको हायर पोटेंसी में दिया है, तो सर अगर उसका जीसीएस भी वही निकलता है तो जीसीएस यूजुअली अपन, किसका है बोला आपने, ओसीडी, ओसीडी, ओके हाँ, है ना, तो सर उसको हायर पोटेंसी में दिया है, अब वो हायर के बाद अब उसका जीसीएस भी अगर वही है तो सर उसको अपन यूजुअली 200 पोटेंसी यूज करते हैं, तो सर फिर हायर के बाद वही वाली मेडिसिन लोअर उसमें नहीं वर्क करती ना सर, नहीं। पहले आप ये बताइए कि उसे आपने हायर पोटेंसी में क्यों दिया, मतलब क्या उसके पीछे क्या रीजन है? सर एक्चुअली सर वो 1 mg पोटेंसी की मेडिसिन ओसीडी के लिए आर्सेनिक सर वो 3 years से खा रही थी, मतलब ऐसे ही खा रही थी सर, वो खुद ही खा रही थी लेडी, और सर उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ओके, तो सर मतलब फिर मैंने उसको जब वो मेरे पास आई तो मैंने पूरा हिस्ट्री लेकर देखा, तो सर वो आर्सेनिक का ही मतलब वो लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको 2 month ब्रेक दिया सर मेडिसिन, उसको मतलब एसएल देकर उसको वो करते गए, और उसके बाद सर मैंने उसको 10 mg का दिया, तो सर उसकी मतलब वो एकदम मतलब बहुत रिलीफ हो गया था उसको, यानी वो 16 hours वो वॉशरूम में स्पेंड करती थी, तो सर वो 2 hours पे आ गई थी, मतलब विद इन 1.5 month। लेकिन उसके बाद सर मुझे बीच में थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो डबल से मतलब थोड़ा सा उसका टाइम 6 hours ऐसे हो गया था, 4 to 6 hours, लेकिन मैंने वेट एंड वॉच ही किया सर, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन था कि अगर आप 10 mg का दे रहे हो तो आप 200 पे तो नहीं जा सकते, जीसीएस तो सर अपन इसी पोटेंसी में यूज करते हैं ना। जरूरी नहीं, जीसीएस आप अकॉर्डिंग टू मायाजम देना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर वो सिपिलिटिक है तो मोस्टली वी यूज 200 पोटेंसीज, अगर सोरिक है तो हायर पोटेंसीज, एंड साइकोटिक है तो लोअर पोटेंसीज। ओके ओके, तो सर यही कंफ्यूजन है, तो अभी सर वो बेटर है, मतलब काफी बेटर है वो, मैंने तो सिंपल वेट एंड वॉच ही किया सर, क्योंकि बहुत कंफ्यूज थी, और मतलब किसी से
वो नहीं कर पा रहे थे सर, पूछ नहीं पा रहे थे कि कैसे किसी से गाइडेंस लिया जाए। फिर आपकी ये इसमें मैंने सोचा कि अभी ये राइट टाइम है आपसे पूछा अभी जाए। आप वेट एंड वॉच ही कीजिए। अगर उसे पेनियम देने के बाद रिलीफ हुआ, हाँ लेकिन हम ये रिलीफ इस बात पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि उसका 6 आवर्स लगाती थी तो 2 आवर्स पे आ गए। उसका सब चीजें आप कैलकुलेट कीजिए, सब चीजें, सब मेंटल्स उसके देखिए कि उसे किस किस जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल थी वो कंट्रोल में आई कि नहीं। ओके ओनली एक सिम्टम देख के, उस पर एक नहीं जा काउंसलिंग सकते। देख के नहीं नहीं। सर, फिजिकल्स में उसमें भी उसको इम्प्रूवमेंट है, मीन्स उसका स्लीप और उसका एपेटाइट, एसिडिटी बहुत ज्यादा था, और सर उसको मतलब यूरिनरी प्रॉब्लम्स थे उसको, वो सब चीजें भी उसको उसमें रिलीफ हुआ है सर। जी ऐसे ऐसे इसमें सर ने जो अभी मैंने बताया मेंटल केसेस के लिए कि आपको इसका इंटेलेक्ट देखना है, ओके इंटेलेक्ट लेवल देखिए उसी कैसी है अभी। क्योंकि बहुत बार ऐसे अच्छा केसेस में क्या हो जाता है, मैं आपको ओसीडी के लिए बताऊंगा कि मोस्टली ओके ऐसे केसेस में ये होता है कि पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो एक्चुअली पेशेंट के इस हैबिट की वजह से बहुत परेशान हुए हुए रहते हैं। यस तो सब लोगों का एक प्रेशर पेशेंट पे बनाया हुआ रहता है कंटिन्यूअसली कि तुम बाथरूम में जाने के बाद इतना टाइम लगाते, इतना पानी वेस्ट करते, इतना साबुन वेस्ट करते, तो वो एक प्रेशर पेशेंट के माइंड पे ऑलरेडी रहता है। जिसको डर के पेशेंट ये भी करता है कि भाई 4 घंटे हो गए क्या, नहीं बहुत ज्यादा हो रहा, जल्दी निकलो, अच्छा है ना। नहीं सर, इनके ये केसेस में कैसा है सर, इनका एक अपना अटैच है सर, मतलब एक खुद ही का है, मतलब मम्मी और वो एक साथ रहते हैं, और ऐसा प्रेशर नहीं है सर उसको उस टाइप में। फिर भी आप वो चीज भी कंफर्म कर लेना कि घर में कोई आपको प्रेशराइज कर रहा था क्या इस चीज के लिए, या फिर उनसे ना पूछते हुए रिलेटिव्स को भी आप पूछ सकते हैं ओके ओके कि आप बार बार उसे ये बोलते हैं क्या कि जल्दी निकलो, बाहर से आवाज देते हैं ओके। और दूसरा ओसीडी के लिए, ओसीडी के लिए हर कोई आर्सेनिक ही सोचता है। मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स ओसीडी पेशेंट के आर्सेनिक कवर करता है, आर्सेनिक में वो सिम्टम्स होते हैं, बट दैट सिम्टम्स आर डिजीज सिम्टम्स। यस इसीलिए सर ने कहा है कि ऐसे केसेस में हमें वो सिम्टम्स नहीं देखना, हमें पेशेंट का इंटेलेक्ट देखना है। ओके ये सिम्टम छोड़ के अलग पेशेंट में क्या मिलता है, दैट इज द हिज इंटेलेक्ट। ओके सर हाँ, तो आप वो सिम्टम्स, वो उसके मेंटल्स कलेक्ट कीजिए। यस सर यस थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू। लोअर पोटेंसी से हायर पोटेंसी तरफ जाते हैं, समझो लोअर दिया फिर हायर देते हैं, लेकिन हायर के बाद लोअर वर्क करता है कि नहीं सकते हैं, करता? आ सकते हैं, आ सकते हैं। देखो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये है कि बहुत से केसेस में क्या हुआ, मैं लोअर से हाई पोटेंसी तक गया, इवन सीएम तक। और सीएम देने के बाद कुछ साल पेशेंट एकदम फाइन रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, पेशेंट इवन आया तक नहीं। लेकिन कुछ साल बाद पेशेंट वापस वही कंप्लेंट लेके आता है, तो उस केसेस में मैंने वापस 200 पोटेंसी दी तो पेशेंट क्योर हो गया। और क्योर ऐसे हुआ कि अकॉर्डिंग टू हेरिंग लॉ वापस पेशेंट फर्स्ट प्लेयर पे आया। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। यस डॉक्टर माधुरी। सर, ये अभी आपने बताया ओसीडी में आप इंटेलेक्ट ऑफ द पेशेंट देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे? जी ओसीडी में इंटेलेक्ट ऑफ द पेशेंट देखते हैं आपने बोला ना, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब कैसे लेना है पेशेंट? इंटेलेक्ट में आप ही मुझे बताएं कि इंटेलेक्ट में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं। उनका विल, मॉरल, यस विल, मॉरल्स, डिसीजन, और बताइए।
इंटेलेक्ट में ओनली ये नहीं देखना है कि पेशेंट इंटेलेक्चुअल है कि नॉन इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे बातें हम देख सकते हैं। एक आधा पेशेंट जैसे कि कोई हिस्टेरिया, डिप्रेशन, सिजोप्रेनिया, ओसीडी का पेशेंट है, और पेशेंट के वो सिम्टम्स जो डिजीज सिम्टम्स होते हैं वो एक तरफ पूरे रख दो, और बाद में जो पेशेंट से निकलेगा अलग कुछ, जैसे कि एक आधा पेशेंट होता है और घर के हर मेंबर के लिए बहुत ही कॉन्शियस होता है, ओसीडी का पेशेंट है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई वो इतने शार्प लेंगी, सबका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगी, जहां पे ये ओसीडी का सिम्टम एक भी नहीं आएगा। अब वहां पे इस चीज को आप मिक्स मत कीजिए कि ये ओसीडी का पेशेंट है तो इसमें बहुत ही नीट क्लीन रहेगा या फिर बहुत ही फास्टिडियसनेस रहेगा, नहीं। पेशेंट इज वेरी इंटेलेक्चुअल अबाउट ऑल थिंग्स। अब एक सिंपल एग्जांपल ओसीडी का ही मैं बताता हूं। एक पेशेंट ओसीडी का ही था, उस पेशेंट की कंप्लेंट भी यही थी, हस्बैंड हमेशा उसकी कंप्लेंट करते थे कि ये पानी बहुत यूज करती है, साबुन बहुत यूज करती है, बाथरूम में बहुत देर तक रहती है, इसकी वजह से मुझे मतलब हमारे को कपड़े धोने के लिए उतने साबुन नहीं लगते जितने उससे दुपट टिपट साबुन इसको हाथ धोने के लिए लगते हैं। मुझे इलेक्ट्रिक बिल इतना आता है बिकॉज ऑफ इसके वाटर वेस्ट करने की वजह से। तो पेशेंट का इंटेलेक्ट देखो, पेशेंट का जो डिजीज सिम्टम है वो तो है ओसीडी का, जो वो ओसीडी पेशेंट में कॉमन होता है, लेकिन पेशेंट का इंटेलेक्ट देखो कि एक दिन पेशेंट आई, हस्बैंड को साथ में नहीं लाया, पेशेंट आए, सर बोले मुझे जो मेरे हस्बैंड ने कंप्लेंट किया वो तो एकदम 100% राइट है बोले, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम जो है, जो पानी वेस्टेज करना, बार बार हाथ धोना, ये मोस्टली मेरे पीरियड के टाइम पे ज्यादा होता है। तो जब एमसी पीरियड होता है तब मुझे ये सीवियरली होता है और मैं एक मिनट भी रह नहीं सकती, और बिकॉज ऑफ दैट प्रोप्यूज डिस्चार्ज मैं बहुत परेशान होती हूँ। तो मुझे आप मतलब ऐसा ऐसा कुछ डिसीजन दीजिए कि मैं इस यूटेरस को निकाल के फेंक दूँ, मतलब हिस्टेक्टॉमी कर दूँ, तो आप मुझे परमिशन दो बोले कि मैं हिस्टेक्टॉमी करूँ, और हिस्टेक्टॉमी के लिए मुझे अच्छा डॉक्टर बताओ बोले, ताकि ये प्रॉब्लम ही नहीं रहे, और ये अगर निकल गया तो मेरा ओसीडी भी कम हो जाएगा। देन लेकिन ऐसा डॉक्टर बताओ कि जिसमें मेरा खर्चा ज्यादा ना हो, थोड़ा कम पैसे में करे, क्योंकि मुझे तो मेरे विलिंग पे करना है, मुझे तो कोई उसकी उसका डिजीज नहीं है कि भाई बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम आई एम डूइंग दिस। तो मेरा मतलब ज्यादा पैसा भी नहीं जाना चाहिए, मेरे हस्बैंड को ज्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम इसमें वो होना चाहिए ताकि मेरी फैमिली सफर ना। अब यहाँ पे इंटेलेक्ट के बेस पे हम क्या क्या ले सकते हैं? मनी माइंडेड है, एवराइज, नॉट मनी माइंडेड, एवराइज, yeah, careful about husband. Yes, she is careful about family. She is conscious about money. Extra kharcha nahi hona chahiye. She is conscious about all the family members. Ki meri wajah se inko takleef ho rahi, to agar main ye problem hi hata do to shayad takleef thodi kam ho jaye. To is type ka hame intellect dekhna hai. इससे अलग पेशेंट में क्या अलग मिलता है, राइट? अंडरस्टैंड? यस डॉक्टर प्रीति गुप्ता।
सर जी बोलिए। सर अभी आपने बताया अभी इस पेशेंट में जैसे अभी वो पीरियड्स के टाइम पर ज्यादा मतलब वॉशिंग वगैरह यूज हो रहा है जी ना, तो फिर अब रेगुलर बेसिस पर तो अब इसको ओसीडी नहीं बोलना चाहिए ना, कि मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ रीजन है उसको जो पर्सनली लग रहा है तो दैट टाइम, या फिर वो डेली अगर है डेली बेसिस पर है तब ओसीडी होना एक्सक्यूज मी मैम, आपके सराउंडिंग में आवाज हो रहा है जिसकी वजह से आपके वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आ रहे। सर। आवाज तो नहीं हो रहा है सर, मैं फिर से बोलती हूँ। अभी आपने डॉक्टर खाड्डे हो, डॉक्टर खाड्डे हो आप, प्लीज म्यूट रखिए। तो यस डॉक्टर प्रीति, सर ये जो अभी आपने लेडी का केस बताया तो यहाँ पर वो पीरियड्स के दौरान उसका वॉशिंग ज्यादा यूज हो रहा है ना? जी यस बोलिए। आपने म्यूट कर दिया। रीति जी आपने म्यूट किया खुद को। हाँ हेलो जी बताइए हेलो सर, जी बोलिए ना। बोलिए बोलिए डॉक्टर। हेलो सर, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए। राघव यस डॉक्टर मोहिते आप बोलिए। सर याच्या संदर्भात नाही, ते हेलो परवाची जी केस होती ना सर टॉर्शन जी, जी त्याच्याबद्दल प्रोग्रेस सांगा नंतर थोड्या, हे झालं डिस्कस हाँ, फॉलोअप त्यांचा। हाँ त्याच्या त्या पेशंटचा पेन कंप्लीटली गेला आहे, स्वेलिंग 75% कमी झाला आहे। वेरी नाइस सर, यस पेशंट फील्स परसेंट सेवेंटी बेटर, फाइव परसेंट कमी झाला सर स्वेलिंग। 75% यस यस ओके यस, फक्त थोडं सर, इनके। हाँ सॉरी रेमेडी सर काय दिली होती, रुब्रिक सांगितले त्याच्याशी तुम्हाला? रुब्रिक कंप्लीटली सांगितले मी, हाँ इतकी केसेस पूर्ण इलॅबोरेट करून रुब्रिक, सांगणार, यस थोड़ा यस सर वेट करा, कंप्लीट क्योर हो गया। ओके सर चालेल। यस यस डॉक्टर प्रीति गुप्ता फास्ट। ओके मेरी आवाज नहीं आ रही यस और किसी को कुछ पूछना है या फिर है, क्यों आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं? डॉक्टर काटे। सर अभी ये जो केस है आपने ओसीडी का केस बताया ना, उसमें वो पेशेंट हिस्टेरेक्टॉमी कमी करना चाहती है उसके ओसीडी कम करने के लिए, तो यहाँ पे भी वी कैन थिंक ऑफ अर इंटेलेक्ट, मतलब इतनी छोटी चीज के लिए वो बॉडी का एक पार्ट निकालना चाहती है, तो दिस ऑल्सो शोज कि इंटेलेक्चुअली दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन ना। यहाँ पे आप ये देखो ना कि वो कितनी कॉन्शियस है, वो करना नहीं करना बात की बात है ना, शी इज कॉन्शियस अबाउट हर फैमिली राइट। अब यहाँ पे हम कॉन्शियस ले सकते हैं, एंजाइटी कॉन्शियस अबाउट ले सकते हैं राइट, बहुत से रूब्रिक्स यहाँ पे आएंगे राइट।
दिस इज द पार्ट ऑफ इंटेलेक्ट. सर बेड वेटिंग, चाइल्ड बेड वेटिंग के लिए क्या ले सकते सर, यानी किस तरह से केस लेनी चाहिए बेड वेटिंग? बेड वेटिंग का आएगा अपने आगे, इसमें आएगा. ओके ओके. तो उस दिन जैसे टाइम्स ऑफ मायाजम मैंने बताया था, सोरा क्या टाइम बताया था, साइकोसिस सिपिलिस. With rising sun is sora, afternoon psychosis and night is syphilitic. Okay. इंटेलेक्ट के लिए और एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम ओसीडी में और मेंटल इलनेसेस में इंटेलेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे ही आप मुझे ये बताइए कि जो रिटार्डेड चिल्ड्रेन होते हैं इनमें क्या लेना चाहिए. रिटार्डेड चिल्ड्रेन, सीपी चाइल्ड, ऑटिज्म, म्यूटिज्म, प्रेगनेंसी हिस्ट्री सर, कोई यस प्रेगनेंसी हिस्ट्री, सेंसिटिविटी सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो है. उसके अलावा सेंसिटिविटी, स्पेसिफिक फिजिकल सिम्टम, जनरल्स में कुछ स्पेसिफिक हो. यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉजिटिव फैक्टर, राइट, कि जींस कहाँ, जींस को कहाँ स्ट्रोक मिला, राइट. देन ऐसे केसेस में आपको कभी भी डोंट एवर टेक द माइंड इन दिस केसेस. आपको पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स इन केसेस में नहीं लेने हैं, वेयर द माइंड इज नॉट डेवलप्ड, वेयर द माइंड इज अंडर डेवलप्ड. आपको अदर सिम्टम्स लेने हैं, मोस्टली आपको पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना है, देन द रिएक्शन ऑफ मदर, रिएक्शन ऑफ द पेशेंट आपको लेना है, और जो भी जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक डिस्पोजिशन आपको वहां पे दिखेगी कुछ टिपिकल, तो आप ले सकते हैं. ओके यस. तो एक सिंपल केस मैं सर की यहां बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसे कंक्लूड करेंगे. ओके सो 8 इयर्स बॉय, वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग. 8 इयर्स बॉय who is very fond of music and singing, remembers the stories told him by his sister 4 years back. Without a pause, he keeps speaking something, and mostly they are songs, bhajans or poems taught to him earlier while teaching him. Suddenly, he loses his concentration by some thought. He recalls and recollect things where he had lost his concentration and will resume from the point where he had left it. क्या understanding इसमें से आप निकालेंगे? Homeopathic understanding. स्ट्रॉन्ग और मेमोरी, मेमोरी एक्टिव, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, मेमोरी एक्टिव, वेरी गुड, बट फॉर व्हाट?
8 इयर्स बॉय है यहाँ, 8 इयर्स बॉय है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो वो उसकी एक्ट मेमोरी है वो एक्टिव है, ओके, बट इज इट नॉर्मल थिंग और समथिंग हायर? सर हायर, इट इज बियॉन्ड हिज एज लिमिट। यस, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वॉल्यूंटरी, राइट? इट इज वॉल्यूंटरी। सो द एक रूब्रिक है ऐसे कंडीशन के लिए कि मेमोरी एक्टिव, रिकलेक्शन इनवॉल्यूंटरी। बहुत अच्छा रूब्रिक है, ये रूब्रिक पे सर ने ये केस को हैंडल किया, क्योर किया, मेमोरी एक्टिव, रिकलेक्शन इनवॉल्यूंटरी। बहुत अच्छा आज हमें ये रूब्रिक सीखने को मिला। अगर ऐसा पेशेंट होता है, एक ऐसे ये रूब्रिक मैंने कहाँ यूज किया था आपको बताता हूँ। मेरी एक रिलेटिव्स है जिनको ट्विंस गर्ल्स है, लेकिन दैट गर्ल्स आर मेंटल रिटार्डेड, दैट गर्ल्स आर मेंटल रिटार्डेड। वो दोनों भी गर्ल्स एक दूसरे की हमेशा एक्शन करते रहते हैं। उसने जो बोला वही सेम ये रिपीट करेगी, इसने जो बोला वही सेम वो रिपीट करेगी। लेकिन आज वो लड़कियां इतनी अच्छी क्योर हो गई, अभी वो नॉर्मल स्कूल में जा रही है। उनका तब मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम लाया था तो उनका एक पॉइंट मुझे उन्होंने बताया था कि इनको कुछ भी याद नहीं रहता, इनको कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जब मैं इनको कहीं राइडिंग पे लेके जाता हूं तो हर रास्ता ये हमें अब करेक्ट बताती है, घर का रास्ता बराबर बताएगी, कहीं जा रहे तो उसका रास्ता बराबर बताएगी। मतलब जो नॉन थिंग्स है, जैसे कि उनको कहीं जहां पे वो हमेशा लेके जाते हैं, जैसे मार्केट या फिर कोई शॉप में, कोई कपड़े की दुकान में जो उनका परमानेंट है, तो बराबर वो रास्ता दिखाएंगे कि भाई इधर से लो, इधर से लो, इधर से लो। तब मैंने ये रूब्रिक लिया था, मेमोरी एक्टिव, रिकलेक्शन इनवॉलंटरी। ये सर नॉर्मल चाइल्ड में भी हो सकता है, जैसे मेंटल रिटार्डेड नहीं है फिर भी हो सकता है? हो सकता है ना, वो तो नॉर्मल चीज हो गई ना। लेकिन जैसे ये केस सर ने बताया कि इतने सब इसमें इतने फास्ट रिकलेक्ट करना, और जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है उसे पर्टिकुलरली उस चीज के लिए नॉलेज होना, बाकी उनको कोई समझता नहीं, कुछ समझता नहीं। अगर उनको पूछा अपन ने कि क्या हो रहा, तो वो जो एक पहली लड़की बताएंगी वही सेम दूसरी रिपीट करेंगी। तो ऐसे रूब्रिक्स जो बहुत ही मतलब अगर ऐसे केसेस आते हैं जो इस अपने पूरे सेशंस में बहुत सारे रूब्रिक्स आपको नए नए सीखने को मिलेंगे, नए नए देखने को मिलेंगे, लेकिन कौन सी भी केस में ये रूब्रिक्स यूज नहीं करना जहां आपको सही में परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि आपको ये बहुत ही इंटेलिजेंटली ये आपको यूज करना है। नहीं तो हम क्या करते, 1000 रूब्रिक नया सीख लिए कि फिर हर पेशेंट को उस रूब्रिक में बैठाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है सही में कि परफेक्टली ये है, ये कंडीशन है, तो ही वो रूब्रिक यूज करना है। यस, अदरवाइज बहुत सारे केसेस हम स्पॉइल कर सकते हैं, ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम आज यहाँ ही रुकते हैं, कल हम नया सर ओसीडी का केस का क्या हुआ फिर? मेंसेस एग्रेवेशन और कौन सा रूब्रिक ले सकते इन केस ऑफ ओसीडी? ओसीडी का केस आधा ही रह गया ना, ओसीडी केस में वो मेंसेस एग्रेवेशन दिया था
शी वॉज केयरफुल अबाउट फैमिली, क्या नहीं लिया नहीं था मैंने उनके से रूब्रिक मतलब? की बात ही नहीं की उसमें। हाँ तो वो केस तो आधा ही रहेगा, मतलब हाउ वी कंसिडर अगेन दैट केस। हाँ वो केस देखना पड़ेगा मुझे, रूब्रिक के लिए क्या लिया था मैं देख के बताऊंगा आपको, क्योंकि ओके उसका सर, वो इंसिडेंस मुझे याद है कि उसमें इंटेलेक्ट कैसे लेना, उस तौर पे मैंने उसका एग्जांपल दिखाया बताया आपको कि भाई इंटेलेक्ट कैसा देखना। ओके यस वो थीम सीखना है कि भाई ऐसे केसेस में हमें जैसे क्वेश्चन आया था ना, उस क्वेश्चन का उस टाइप से आंसर दिया कि भाई क्वेश्चन आया तो इंटेलेक्ट कैसे देखना, राइट। तो अगर उसके रूब्रिक्स देखना है तो मैं आपको रूब्रिक्स बताऊंगा, रूब्रिक्स यस। बोलूंगा। या और इंटेलेक्ट के सर और भी कुछ एग्जांपल्स दीजिए, मतलब थोड़ा मोर एग्जांपल्स। हाँ सर, ऐसे भी तो एग्जाम्पल ही देते हो ना, जैसे इंटेलेक्ट कैसे लेना तो समझ में आता है कि ऐसे है तो ये लेना जरूर जरूर आगे और डिस्कशन करेंगे अपन इस पे, अभी थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, पेशेंट वेट कर रहे हैं मेरे, इसलिए बार बार फोन आ रहा है। है। ओके 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 थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का इंटरेस्ट और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है बताने में। अभी देखो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, इतने सारे एग्जाम्पल मुझे ऑटोमेटिकली याद आ रहे हैं। थैंक यू सर। तो जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेशंस बहुत अच्छे अच्छे होते जाएंगे, बहुत इंटरेस्टफुल होते जाएंगे। यस यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू लिंदा ही लो 5-5 मिनट। या डायरेक्टर लिंदा, माय नेम लेते रहूंगा डायरेक्ट। बाय बाय।